अपनी जनाधार बचाने की जद्दोजहद में जुटी झारखंड कांग्रेस को अब राज्य की सत्ता चाहिए। वे यहां के सीएम हेमंत सोरेन की जगह पूर्व सीएम मधु कोड़ा की सांसद पत्नी गीता कोड़ा को कुर्सी पर बैठाने की योजना में जुटे हैं। गीता कोड़ा को कांग्रेस नेतृत्व ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। दरअसल सिंहभूम सांसद गीता कोड़ा के सांसद प्रतिनिधि बाहुबली नेता योगेंद्र शर्मा उर्फ मुन्ना शर्मा का चटखारे के साथ एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि गीता कोड़ा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आयोजित स्वागत समारोह का है, जिसमें भ्रष्टाचार के चर्चित मामलों को लेकर जेल गए पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी उपस्थित थे। कहा जाता है कि मुन्ना शर्मा का आपराधिक इतिहास रहा है। वे जाने माने मजदूर नेता वीजी गोपालन हत्याकांड मामले में बतौर मुख्य अभियुक्त जेल की हवा खा चुके हैं। उन्हें बतौर आरोपी जेल भेजने वाले कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन जमशेदपुर एसपी अजय कुमार ही थे, जो बाद में सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए। वैसे मुन्ना शर्मा आदित्यपुर नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी भी रह चुके हैं। ये बाहुबली नेता भले ही अदद निकाय चुनाव जीत न सके हों, लेकिन वीडियो में राज्य की गद्दी से सीएम हेमंत सोरेन को हटाकर सांसद गीता कोड़ा को बिठाने की सिंगर्जना जरूर कर रहे हैं। यही नहीं, वायरल वीडियो में मुन्ना शर्मा यह भी दावा करते दिख रहे हैं कि गीता कोड़ा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की जानकारी उन्हें पहले से थी, मानो कांग्रेस आलाकमान ने गीता को पदासीन करने के फैसला मुन्ना से अंदरूनी विचार विमर्श करने के बाद ही लिया हो। खैर, 2021 का कांग्रेस है, कुछ भी हो सकता है। बीते सोमवार को कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद श्रीमती कोड़ा जमशेदपुर और सरायकेला दौरे पर थी, जहां कांग्रेसियों ने उनका काफी गर्मजोशी से स्वागत किया। उसी स्वागत के दौरान आदित्यपुर अटल पार्क सभागार में उत्साह से लबरेज कांग्रेसी बाहुबली नेता मुन्ना शर्मा ने गीता कोड़ा को सीएम मेटेरियल के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया। उन्होंने यहां तक कह डाला कि राज्य की गद्दी पर सीएम हेमंत सोरेन नहीं, गीता कोड़ा चाहिए। वैसे स्वागत के उन्माद में शायद कांग्रेसी नेता ये भूल गए कि राज्य में सत्ता कैसे हासिल हुई है। अगर गठबंधन नहीं हुआ होता तो गद्दी तो दूर कुर्सी के लिए पूछने वाला विगत 10 सालों से कोई नहीं था। वैसे मुन्ना शर्मा के बयान पर पार्टी के आला नेताओं ने किनारा कर लिया है। वहीं मुन्ना शर्मा के इस बड़बोलेपन ने राज्य की सियासत को अलग ही हवा दे दी है। अब झामुमो और विपक्ष की इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, यह देखने वाली बात होगी। स्वागत समारोह है, ये भाषण देने की स्टेज नहीं थी। मैं कम समय में तो दो बात नहीं रखना चाहता हूं। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव राहुल गांधी जी और आरपीएम सिंह ने जो झारखंड की धरती पर ये जो नया टीम बनाई है, इसके लिए मैं ये जरूर कहूंगा। ये मुझे कुछ दिन पहले ही दिल्ली से खबर आ चुकी थी कि गीता कोड़ा जी को बागडोर मिलने जा रहा है, लेकिन इस बागडोर से हम संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं जिस तरीका से झारखंड एकलौता संसद को झारखंड से दिल्ली तक पहुंचाया गया है, उसमें आदित्यपुर के तमाम हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का बहुत बड़ा योगदान है। हम ये चाहते हैं कि झारखंड की कुर्सी जो हेमंत सोरेन की कुर्सी है, वो कुर्सी गीता कोड़ा को मिले। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं से पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरीका से सबको हम लोग लड़ाई दो कि जिस दिन इस झारखंड की कुर्सी पर गीता कोड़ा विराजमान हो। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।